जल ही जीवन है, ये हमें विद्यालय में पढ़ाया भी जाता था और हम जानते भी थे अच्छे तरीके से। सभी लोग को बताया जाता है कि जल संरक्षण किया जाए। शासन प्रशासन भी जल संरक्षण के लिए महत्व देती है और कहती है कि जल संरक्षण करना चाहिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत जब देखा जाता है तो कुछ और निकल कर आता है। वर्तमान में हम सियावल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत महुआर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक प्रचलित मंदिर शिव मंदिर है, जहाँ पर बहुत पुराने ज़माने का यह शिव मंदिर है। यहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा की जाती है, लोगों की आस्था रहती है। उसी के सामने पर राजा रानी तालाब है, जो कि वहाँ का जल कभी नहीं सूखता था और यथावत वहाँ का जल जो है बना रहता था। लेकिन वर्तमान ये लापरवाही कहेंगे, जनप्रतिनिधियों की कहेंगे, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी लापरवाही कहेंगे कि उनकी लापरवाही की वजह से आज वो तालाब जो है पूरी सूखने के कगार पर हो गया है। अब हालांकि बरसात चालू हो गई है। मैं साथ ही बता दूं कि उस नहर को फोड़कर सिंचाई के लिए उपयोग किया गया था, जिसके चलते वहाँ का पानी जो है पूरी तरीके से सूख गया था। कहीं ना कहीं ये लापरवाही कहेंगे कि इस तरीके से लापरवाही हुई। इसके वजह से मवेशियों का एकमात्र उपचार हो जाता है, तालाब के अंदर में जाते हैं तो तालाब के अंदर ही उनका पूरा जो है दारोमदार होता है। अब आप नेक्स्ट अपडेट में आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। ग्राम पंचायत ये महुआर है, महुआर ग्राम पंचायत का ये दोनों तालाब है जो हमारे विजुअल पर आप लगातार देख रहे हैं। मंदिर भी आपको दिख रहा होगा कि मंदिर है, वहीं पे शासकीय भवन भी बना हुआ है, चिकित्सालय भी बना हुआ है जो हमारे विजुअल पर आप देख सकते हैं, चिकित्सालय है ये। और एक विजुअल पर देख सकते हैं ये कोई सरकारी बिल्डिंग है, जिसमें सरकारी बिल्डिंग में रॉ मटेरियल रखा हुआ है। किसका रॉ मटेरियल है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, और इससे पहले भी एक बार हमने खबर चलाई थी सरकारी बिल्डिंग पर कब्जा। अब कब्जा किसका है ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि कब्जा किसका है, लेकिन हमारे खबर चलाने के बाद भी प्रशासन जो है मुस्तैद नहीं हुआ और उस बिल्डिंग को, सरकारी बिल्डिंग को कब्जे से हटाने में असमर्थ, साफ साफ पे कहेंगे कि असमर्थ रहे। लेकिन ये बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अब पंचायती चुनाव आ गया है, वही जनप्रतिनिधि जो हैं वो डंके की ताल पे कह रहे हैं कि हम विकास की गंगा बहा देंगे, घर घर जा रहे हैं, चुनावी माहौल चल रहा हुआ है और विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं। जो वास्तविकता में जो हमारे पास में था उसको तो बचा नहीं पाए, उसको तो संरक्षण कर नहीं पाए, लेकिन अभी क्या विकास की गंगा बहाएंगे? क्या इनका सिर्फ राजनीति में आने का मकसद क्या होता है कि सिर्फ शोषण करना? ये कहीं ना कहीं पर एक सवाल खड़ा होता है। क्या शोषण करना ही एक महत्व है राजनीति पे आने के लिए और दबदबा बनाने के लिए? और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको, उससे उनका कोई वास्ता नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है? कहीं ना कहीं पर ये सवाल खड़ा होता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ग्राम पंचायत महुआर का मैं आपको तालाब दिखा रहा हूं, ग्राम पंचायत का दिखा रहा हूं, ये प्राचीन मंदिर है यहां का वो, जहां पर जल हमेशा भरा रहता था, लेकिन जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से ये हुआ, इसका जवाब कौन देगा? प्रयास करते हैं जनप्रतिनिधियों से तो हमारे कैमरे से भागते नज़र आते हैं, वो जवाब देने से इनकार कर देते हैं। और कहीं ना कहीं पर मैं अभी इस वक्त का सवालों का ये नहीं कहूँगा कि संरक्षण किसका प्राप्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे उनको ये सवाल करना चाहिए कि अगर वो 5 साल चुनकर आते हैं तो उनको जनता की सेवा करनी चाहिए, अपने गांव का विकास करना चाहिए, अपने गांव का विकास करेंगे तब जाकर डंके की चोट पर वो चुनाव मैदान पर उतरें और प्रत्याशियों से अपनी वोट मांगें। अब ये होगा कि ये दोबारा तो जा रहे हैं मांगने के लिए, क्या जनता इनको ये सारे मामले को लेकर इनको वोट देगी? कहीं ना कहीं पर ये सवाल खड़ा जरूर होता है। और मैं आपको विजुअल में आप देख सकते हैं मेरे कि किस प्रकार से ये तालाब सूखा पड़ा हुआ है, आज मवेशी जो है बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मौसम विभाग के हिसाब से भाई अब 20 या 22 तारीख को जो है जल वर्षा होनी चाहिए, वर्षा होगी तो तालाब कितना भर पाएगा ये भी देखने का दिलचस्प होगा। जनप्रतिनिधियों से मेरा यही है कि जो वादा करें वो पूरा करें, और ख़ास तौर पे विकास की अगर बात करते हैं तो विकास के लिए पूरे तत्पर ढंग से जनता की सेवा करें, ताकि दोबारा आपको चुनाव में जाने के बाद घर घर जाकर वोट मांगने की आवश्यकता न हो, आपकी विकास ऐसा कहे कि आपको दोबारा ही वोट मिल जाए। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज भोर के साथ पोल खोल पोस्ट। खुल गया खुल गया खुल गया। लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9479712700, 7805818106। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।